हेलो एवरीवन, हम लोग समाजीकरण के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले पढ़ा था प्राथमिक संस्थाओं के बारे में। अब आती है बात दूसरी व्यक्तिगत संस्थाओं के बारे में, जिसके द्वारा भी समाजीकरण का प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जिसके अंतर्गत आती है अपनी जो राजनीतिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और सब प्रकार के जो व्यक्तियों का समूह है, उसके द्वारा यह समाजीकरण की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। जैसे शैक्षणिक में टीचर्स सिखाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या लड़के कॉलेज जाते हैं, उसके द्वारा ही हम लोग जीवन जीने के तरीके और दुनियादारी के बारे में भी सीखते हैं और अपने भावी जीवन को तैयार करने के लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें भी सीखते हैं, अपने व्यवसाय के संबंधित भी सीखते हैं। इस प्रकार कुछ बातें सीखी जाती है। फिर आर्थिक स्थिति, आर्थिक संस्थाएं हैं कुछ जो व्यवसाय के अंतर्गत है, औद्योगिक संस्थाएं हैं, बैंकें हैं, इनसे भी हम लोग सीखते हैं। राजनीतिक संस्थाएं हैं तो व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं में जाकर लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है, राजनीति क्या है, ये सब बारे में बातें भी हमें राजनीतिक संस्थाओं के बारे में मिलता है। भी धार्मिक है और सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, इनके द्वारा में द्वारा भी व्यक्ति एक सर्वगुण संपन्न, एक वेल अप टू डेट जो समाज में सामाजिक बनने की जो प्रक्रिया है उसका संपूर्ण तरीके से होता है। लेकिन कहा जाए तो संपूर्ण कभी भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली है, जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इन संस्थाओं के द्वारा धीरे धीरे समाज में रहते हुए, इन संस्थाओं के बीच रहते हुए व्यक्ति अपने समाज, अपने खुद का व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। जैसा